भले ही आप ज्योतिषी में विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये ऐसा जरूर है कि हाँ जो ग्रह है वो हमें चलाते हैं। हम बात कर रहे हैं समय की, और इसी समय को देखने के लिए हम उपयोग करते हैं घड़ी की। लेकिन आज हम मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये घड़ी शुरुआत के दिनों में कैसे काम करती थी और आज कैसे काम करती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं टेक्निकल लिंक्स। तो आइए देखते हैं। शुरुआत के दिनों की, तो उस समय जो घड़ियां होती थी वो पेंडुलम पर काम करती थी, और जो पेंडुलम आगे पीछे करता था तो वो उसके हिसाब से समय बताती थी। शुरुआत के दिनों में जब पेंडुलम था उसमें हम एक गियर का उपयोग करते थे, जो गियर समय के मापती थी, जैसे उसके सेकेंड, घंटे को और टाइम को मापती थी। लेकिन इस गियर गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर रहती थी, जिसके कारण ये होता था कि जब हम समुद्र पर समय मापते वहाँ कुछ और दिखाता था, जब हम पहाड़ पर जाकर समय मापते थे तो कुछ और दिखाता था। इससे काफ़ी परेशानी होती थी और हम सही से समय नहीं माप पाते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बदलती गई। उसके बाद क्वार्टर घड़ी आई। ये सबसे जरूरी थी कि ये इलेक्ट्रिक थी और ये बैटरी पर काम करती थी। जो बैटरी इसमें लगे होते थे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड वो करेंट सप्लाई करता था, जिससे गियर जो है वो वाइब्रेट करता था, और गियर प्रति सेकेंड वाइब्रेट करता था। उस वाइब्रेशन उस के द्वारा गियर जो है उस संख्या को गिनता था और मिनट सेकेंड में उसको परिवर्तित करता था, जिससे ये होता था कि हम हमेशा सही समय मापते थे। बात करते हैं उस गियर की, जो कंट्रोल करता है, जो कंपन करता है। उस गियर में एक क्रिस्टल लगा होता है, वह क्रिस्टल जब वाइब्रेट करता है तो उससे उसी वाइब्रेशन को हम संख्या को हम गिनते हैं, और उसी गिनती से हम मिनट को, घंटा को और सेकेंड को मापते हैं। और जब और जो हम डिस्प्ले पे दिखाते हैं, जब आप डिस्प्ले पे देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होती है जो आजकल के घड़ी में होती है वो उस पर शो करती है। अगर वो घड़ी सुई वाली होती है तो उसमें भी वो जो क्रिस्टल है वो उस सुई को नचाती है, जिससे कि हम आप समय को देख पाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते काफ़ी आसान हो गया और हम काफ़ी एक्यूरेट हो गए समय के मामले में। नहीं तो शुरुआत के दिनों में बहुत प्रॉब्लम होती थी, हम सही से माप नहीं पाते थे। तो इसलिए आशा करता हूँ कि घड़ियों के बारे में ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आगे आप जिस टॉपिक पर जानना चाहते हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।